अंतिम विदाई में शामिल हुए खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने शहीद शुभम को श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया। विदित हो कि पंजाब के जालंधर में ड्यूटी के दौरान 5 अक्टूबर को गश्ती करते समय लैंडमाइन ब्लास्ट में सैनिक शुभम राहंग डाले बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसका इलाज जालंधर के सैनिक अस्पताल में चल रहा था, जहां 10 दिन तक जीवन से संघर्ष करते हुए जवान शुभम ने 14 अक्टूबर को दम तोड़ दिया। इसके बाद शहीद जवान शुभम का शव शहीद गृहग्राम वारासिवनी के कंचनपुर लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ हजारों गमगीन लोगों की मौजूदगी में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान के अंतिम संस्कार के समय खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल सहित हजारों लोग उपस्थित थे, जिन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। साल पहले ही नौकरी लगी थी, उसकी ड्यूटी जालंधर में थी आर्मी में। एक फौज में काम करते हुए हमारा युवा साथी बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गया। क्षेत्र के लिए, कंचनपुर के लिए, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन जहाँ दुख की बात है, तो वहीं लेकिन हमारा युवा साथी जिसने सांगी सरंडी और वारासिवनी का नाम आर्मी में एक गौरव के साथ हमेशा नाम लिया जाएगा कि उसने इतनी कम उम्र में आर्मी में रह के देश के लिए शहीद हुआ है हमारा युवा साथी। तो उसको पूरे क्षेत्र की ओर से मध्य प्रदेश शासन की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस दुखद घड़ी में उसके परिवार के साथ हम लोग सभी लोग हैं, लेकिन ऐसा युवा साथी जो एक वीरगति को प्राप्त हुआ है।